स्वागत है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं डोरेमोन के कुछ बहुत ही स्केयरी एनिमेशन। यार डोरेमोन देख देख के हमारा पूरा बचपन बीता है, तो चलो फटाफट से अपनी यादों को ताजा करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो ये रहा हमारा पहला वीडियो, चलो चेकआउट करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मिस्टीरियस रियलिटी के बारे में जान पाओगे, जो कि शायद आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं जान पाते हैं। तो अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो प्लीज पहले ले लो, फिर मत। हाँ दोस्तों, फटाफट से पॉपकॉर्न, पानी और कोल्ड ड्रिंक तैयार रख लो। वीडियो छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटली डोरेमोन के बारे में बताने वाला हूँ। यार डोरेमोन नहीं होता है, उसे डोरेमोन कहते हैं, हमारा प्यारा दोस्त। और इस वीडियो में चलो आगे देखते हैं कि डोरेमोन असलियत में था, और क्या पता शायद क्या सही में असली में था? अभी भी हो। वैसे तो मैंने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में इसके ऊपर कुछ कुछ बातें कवर की हैं, बट कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को एक लॉन्ग वीडियो में कवर किया जाए। तो लो अब करते हैं कवर एंड करते हैं अपनी बातचीत शुरू। तो वो दिन था 13 अप्रैल 2022। उस दिन ट्विटर पर एक मिस्टीरियस क्या है, ट्विटर पे एक पोस्ट अपलोड हुआ है, द डोरेमोन इरेस्ड बाई जापानीज सोसाइटी दैट आई सॉ ड्यूरिंग डाइविंग द अदर डे इज स्टक इन माई हेड। पोस्ट की गई जिसमें लिखा था, हमें समुद्र की गहराई में डोरेमोन मिला और उसके साथ समुद्र की गहराइयों में डोरेमोन की फोटो भी अटैच की गई थी। ओ भाई ये फोटो देखो यार, ये काफी स्केरी है। दो डाइवर्स एक ओशन में डाइविंग कर रहे थे एंड तभी उन्हें एक डोल दिखाई दी जो कि नीले रंग की थी। एंड वो लोग उसके पास गए और उन्होंने देखा कि वो डोल डोरेमोन की है। एंड उन्होंने सोचा कि इस डोल को किसी बच्चे ने गलती से पानी में गिरा दिया होगा और ये पानी के बहाव से यहाँ पर आ गई। हाँ वैसे ऑब्वियसली ऐसा हो तो सकता है कि कोई बच्चा खेल रहा हो और गलती से वो डोरेमोन की डॉल पानी के अंदर गिर गई हो। उन्होंने देखा कि वो डॉल थोड़ी भारी थी एंड पूरी तरह से मेटल जैसे मटेरियल से बनी थी। तो उन्हें कुछ शक हुआ कि आखिर ये डॉल इतनी भारी क्यों है, और तुरंत उन्होंने अपनी क्रियो से कॉन्टेक्ट किया एंड कहा कि हमें एक डॉल जैसी चीज यहाँ समुद्र में घड़ी हुई। ये फोटो देखो यार, ये डोरेमोन है, ये नोबिता है एंड ये बहुत ज्यादा भारी है। क्या हमें इसे बाहर निकाल कर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है इसमें। एंड उन्हें ऑर्डर मिला कि डोल को बाहर निकाल कर जापान की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। एंड वैसा ही किया गया, उस डोल को बाहर निकाल कर जापान की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी में भेजा। मतलब दोस्तों दो डाइवर थे जो पानी के अंदर डाइविंग कर रहे थे, तभी उन्हें डोरेमोन की एक मेटल डॉल मिलती है। तो चलो अब वो डॉल लेबोरेटरी में है ताकि उस पे रिसर्च हो सके। कुछ दिनों के बाद पता लगाया गया कि जिसे वो लोग डॉल समझ रहे थे वो डॉल नहीं बल्कि असलियत में एक रोबोट था। ओ मैन, वो रोबोट था। रिसर्च में एक मिस्टीरियस चीज पाई गई कि उस डोरेमोन रोबोट को आज से 450 साल पहले बनाया गया था। इस केस में सवाल ये पैदा होता है कि आज से 450 साल पहले कौन था जिसे ये रोबोट बनाने आते थे। वेल, कोई भी नहीं। तो क्या इसका मतलब? हाँ यार, रोबोट की दुनिया तो अभी जल्दी इन्वेंट हुई है यार, 450 साल पहले उस डॉल को कौन बना सकता है? ये है कि डोरेमोन रोबोट फ्यूचर से आया था, तो इस केस में हाँ कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार को हम मान सकते हैं कि 450 साल पहले भी कोई मास्टरमाइंड हो जिसने ये मशीन बना दी हो। पर कंफ्यूजन तो वहाँ से क्रिएट हुई जब रिसर्चर्स ने बताया कि इस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज तक भी डिस्कवर नहीं की गई, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके 450 साल पहले ये रोबोट कोई कैसे बना सकता है। यार ये तो सोचने वाली बात का मतलब तो ये हुआ कि या तो ये रोबोट फ्यूचर से आया है या फिर इसको बनाने वाला क्रिएटर फ्यूचर से पास्ट में आया था। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमें ये यार, डोरेमोन मुझे जहाँ तक याद आ रहा 22nd century का था, तो क्या पता कुछ फ्यूचर से कुछ लोगों ने उसे बनाया हो। कि क्या डोरेमोन कभी सच में एग्जिस्ट करता था? तो देखिए, एक थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि डोरेमोन एक एक्चुअल रोबोट था जो कि फ्यूचर से पास्ट में आया था। लेकिन डोरेमोन सीरीज की तरह डोरेमोन 21st century में नहीं 20th century में आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डोरेमोन सीरीज 1960s में लिखी गई थी।
1960 कितने पुराने समय में लिखी गई थी यार। एफजीओ के थ्रू और इस स्टोरी में सब फ्यूचर की बातों के बारे में जिक्र किया गया है, पर आखिर कैसे किसी ऐसे इंसान को फ्यूचर के बारे में इतना सब पता जिसकी डेथ 1966 में ही हो गई थी। फ्यूचर के बारे में इतना सब तो उसी इंसान को पता होगा जो कभी फ्यूचर गया हो। तो क्या इससे मेरा मतलब ये है कि फुजियो ने कभी टाइम ट्रेवल किया था? के तो ये वही बंदा है जिसने डोरेमोन की कहानी को लिखा था। लेट्स फाइंड आउट। तो फुजियो ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने शिजु का करेक्टर देखो दोस्तों ये वही बंदा है जिसने डोरेमोन को लिखा था, अपनी वाइफ को इमेजिन करके, और ये भी बताया था कि मैं बचपन तो ये रहा अपना प्यारा दोस्त डोरेमोन। बहुत ज्यादा नालायक था, मतलब उन्होंने खुद को इमेजिन करके नोबिता को बनाया होगा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी रहस्यमय बात कह दी जिसे सुनकर तो पूरी दुनिया सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन में मैं चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी मशीन हो जो मेरी हर चीज में मेरी मदद करे, मुझे ऐसी चीजें दे जिससे मेरी जिंदगी आसान बन जाए। मतलब वो अपने बचपन में डोरेमोन को भी इमेजिन करते थे। पर गाइस इसके बाद के रहस्य तो कुछ ऐसे है जिससे साबित होता है कि फुजिको या फुजियो के पास बचपन में डोरेमोन एक्चुअल में था। क्या सही में था? पर वो तो वही बंदा है जिसने डोरेमोन को लिखा था, क्या पता डोरेमोन रियल लाइफ पे बेस्ड हो। फुजियो ने बताया है कि डोरेमोन सीरीज में उन्होंने ज्यादातर कैरेक्टर्स अपनी लाइफ से रिलेट किए हैं, पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यानी फुजियो बचपन से ही एक लड़की को बहुत प्यार करता था जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। तो यही चीज हमें सेम डोरेमोन सीरीज में तो मतलब शिजुका रियल लाइफ में है देखने को मिली। नोबिता शिजुका को पसंद करता था और आगे जाकर उससे शादी भी कर ली, पर नोबिता पढ़ाई में नालायक था जिसकी मदद डोरेमोन नाम की एक रोबोट ने फ्यूचर से आकर की। तो क्या पता फुजियो की भी मदद किसी ऐसे ही रोबोट ने फ्यूचर से आकर की हो जिससे उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आए हो और वो नालायक से होशियार बन गए हो। और क्या पता फुजियो कभी चाहते ही नहीं थे कि वो इस बात को रिवील करे कि उनकी लाइफ में डोरेमोन है, पर दुनिया के सामने अपनी लाइफ सीक्रेट्स के हिंट के तौर पर डोरेमोन सीरीज बना दी। इस चीज को प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा एविडेंस है। डोरेमोन की एक फैन मेड मांगा है जिसमें लिखाया गया है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड उसके बाद हाँ मैंने उस एपिसोड को देखा है जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और डोरेमोन मर जाता है उस एपिसोड में। नोबिता डिसाइड करता है कि वो डोरेमोन की न्यू बैटरी बनाकर उसे दोबारा से जिंदा करेगा एंड ये करने में उसे बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, इतने कि वो बूढ़ा तक हो जाता है। ऐसी ही सिमिलर चीजें हमें फुजियो की लाइफ में देखने को मिली, जैसे कि अब क्या पता जो डोरेमोन डेड रोबोट हमें ओ मैन ये फोटो देखो यार, ये फोटो देख के ही मुझे गूजबम्प आ रहा है। ये फोटो समुद्र के अंदर समुद्र मिला में है। मिला है वो फुजियो के बचपन में भी होगा और किसी कारण से वो मर गया या खराब हो गया हो एंड मांगा के अच्छा तो हो सकता है कि ये जो डॉल मिला है वो असल में डोरेमोन के क्रिएटर का असली डॉल हो। अंदर नोबिता डोरेमोन को जिंदा करता है बैटरी के थ्रू एंड रियल लाइफ में फुजियो ने डोरेमोन को जिंदा किया मांगा के थ्रू। सच में यार ये केस बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? क्या डोरेमोन असलियत में था और था तो वो फुजियो की लाइफ में था या नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताना एंड वीडियो में यार दोस्तों जल्दी से नीचे बताना तुम्हें क्या लगता है डोरेमोन असली में है या फिर नहीं। ऑल राइट दोस्तों तो अब हम लोग देखने वाले हैं डोरेमोन की एक हॉरर सॉल्ट फिल्म। ओ मैन इसका तो पूरा गर्दन मुड़ गया। ओके तो ये एक बंदा है जो सो के उठ चुका है, डोरबेल बजी है, जा भाई आलसी जल्दी से दरवाजा खोल। ओके अरे इसे एक पार्सल रिसीव हुआ है और ये पार्सल असल में एक डोरेमोन है। इस बंदे ने उस पार्सल को रख लिया। यार ये डॉल देखने में प्यारा तो लग रहा। अरे वो जिंदा था यार, ये देखो। ओके यार ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा। मेरे ख्याल से अब वो बंदा सोने जा रहा। यार कितना सोएगा? तुमने आवाज सुना? कुछ तो आवाज हुआ लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा।
ठीक है ब्रो, सो जा, हो सकता है वो वहम हो। ओ माय गॉड यार, ओके, अरे ये वापस नॉर्मल हो चुका है। ये बंदा चेक करने जा रहा, इस बंदे को शंका नहीं हो रहा क्या? ओके, ये आ गया है डोरेमोन डॉल को चेक करने। डॉल तो नॉर्मल है अभी। ओके, बंदा वापस सोने चल गया। यार कभी भी हमें ऐसी क्रीपी पार्सल को रिसीव नहीं करना चाहिए। वो हिला, डॉल हिला, शायद इस बंदे ने देखा क्या? मेरे ख्याल से इसने नहीं देखा। यार पागल, इसका काम तमाम होने वाला है। ओके, सुबह हो चुकी है, ये बंदा उठ चुका है। डॉल किधर गई? ओके, डॉल अपने जगह पे एकदम नॉर्मल है। ये बंदा भी मेरे ख्याल से गेमर है शायद। तुम लोग देख सकते हो, उठते ही इसने अपने कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलना शुरू किया। नहीं यार, ये गेमर नहीं है, ये अपनी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा। अरे यार, डोरेमोन पकड़ा गया। उस बंदे ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में डोरेमोन को चलते फिरते देख लिया। यार ये डॉल चल सकती है। अरे भाई पूरा वीडियो मत देख, भाग यहां से जल्दी। ये क्या, एक सेकंड, ये क्या था? डोरेमोन के पास एक एनीवेयर डोर है मेरे ख्याल से, जिसकी मदद से वो यहां से जा रहा। ओके, तो ये बंदा अब डॉल को चेक करने जा रहा। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि उस रात क्या होता है। ओके, तो इस बंदे ने सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए उस डॉल को लॉक कर दिया। ये रही सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग। ओके, तो अब ये शांति से बैठ चुका है कि देखते हैं आगे क्या होता है। यार इन लोग को इतना एक्सपेरिमेंट करने का मन क्यों करता? टाइम बीतता जा रहा, टिक टिक टिक। ये बंदा सो चुका है। यार इतने डरावने माहौल में कोई कैसे सो सकता है? ओ, डोरेमोन तो नीचे उतर रहा। उठ भाई। ओके, सामने कुछ है क्या? अरे यार डोरेमोन किधर गया? नहीं 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 नहीं, ओ अरे बाप रे, वो छोटी सी डॉल का साइज कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है यार, अमेजिंग। चलो यार दोस्तों, मेरे ख्याल से तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, तब तक के लिए पीस।